अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एजुकेटिव। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ हमार बिन खलीफा यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए गए। ठीक है दोस्तों, स्कॉलरशिप का जो कंट्री है वो है कतर। दोस्तों ये स्कॉलरशिप है फुली फंडेड। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल की डिटेल वगैरह की। ठीक है दोस्तों, इसके यानी कि डिटेल्स क्या है, इसका जो मेजर फील्ड्स हैं। इसे दोस्तों जो कंट्री है वो कतर है, यूनिवर्सिटी है वो हमार बिन खलीफा यूनिवर्सिटी है। कोर्स लेवल आपका बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी। फाइनेंशियल कवरेज आपकी फुली फंडेड है। ठीक है दोस्तों, इसका जो डेडलाइन है वो 1 फरवरी 2021 है और फॉर इंटरनेशनल के लिए, और जो 15 मार्च 2021 है वो कतर यानी लोकल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल कवरेज की बात करते हैं। फाइनेंशियल कवरेज में इसका आपका QAR 5000 स्टिपेंड मंथ प्लस अकोमोडेशन प्लस रिटर्न टिकट्स। ठीक है जिसको जो बैचलर्स के लिए, और मास्टर के लिए भी आपका कतर 5000 स्टिपेंड उसका मंथली, और उसका अकोमोडेशन होगा, रिटर्न टिकट होगा। ठीक है आपको MS के लिए। ठीक है उसके बाद जो PhD के लिए आपको 1500 स्टिपेंड और अकोमोडेशन और रिटर्न टिकट। ठीक है दोस्तों, एंड फैमिली अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू द मैरिड स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो आपका आपका फैमिली का अकोमोडेशन वो सब भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसकी मेन फील्ड वगैरह बात करेंगे। इसका कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड इस्लामिक एथिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इस्लामिक एंड ग्लोबल अफेयर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इस्लामिक स्टडीज़, मास्टर ऑफ साइंस इन इस्लामिक आर्ट, आर्किटेक्चर एंड अर्बनिज्म। ठीक है दोस्तों, मास्टर ऑफ साइंस इन इस्लामिक फाइनेंस, PhD इन इस्लामिक फाइनेंस एंड इकोनॉमी। उसके बाद दोस्तों कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, इसके में जो आपका अवेलेबल प्रोग्राम्स है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज एंड सोसाइटीज, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ट्रांसलेशन स्टडीज़। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स इन वुमेन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, PhD इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें जो आपको अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं दोस्तों वो हैं बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ डेटा एनालिसिस इन हेल्थ मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन हेल्थ मैनेजमेंट। उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, मास्टर ऑफ साइंस इन डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस इन सस्टेनेबल एनर्जी, मास्टर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस इन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। इसके बाद PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, PhD इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, PhD इन सस्टेनेबल एनर्जी एंड PhD इन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। उसके बाद दूसरा बात करते हैं हम कॉलेज ऑफ लॉ की, इसमें जो आपका अवेलेबल प्रोग्राम है वो LLM इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड बिजनेस लॉ, LLM इन इंटरनेशनल लॉ एंड फॉरेन अफेयर्स, डॉक्टर ऑफ जुडिशियल साइंस एंड जूरिस डॉक्टर। उसके बाद कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंस में जो अवेलेबल प्रोग्राम है दोस्तों वो है मास्टर ऑफ साइंस इन बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन एक्सरसाइज साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन जीनोमिक्स एंड प्रसीजन मेडिसिन, PhD इन बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंस, PhD इन जीनोमिक्स एंड प्रसीजन मेडिसिन। उसके कॉलेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो आपके अवेलेबल प्रोग्राम वो मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी है दोस्तों। फर्दर डिटेल में पता चला इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और रेजिडेंस ऑफ कतर, यानी कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो सकते हैं या आपका कतर का रिहायशी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मस्ट कंप्लीट सेकेंडरी स्कूल फॉर बैचलर डिग्री एंड हैव अ BS डिग्री फॉर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम एंड MS डिग्री फॉर द PhD प्रोग्राम। फर्दर रिक्वायरमेंट इज अवेलेबल अंडर ईच सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, इसकी जो डेडलाइन है वो आपकी 1 फरवरी 2021 है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और 15 मार्च 2021 है वो कतर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, उसका अप्लाई करने के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो HBKU स्कॉलरशिप है उसको विजिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़ दोस्तों। ठीक है दोस्तों।